हाय विकी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. मसान में जैसे आपके लिए मतलब पानी में तैरना काफ़ी डेंजर था, आपने उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया था, इस फिल्म के लिए आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल था या कैसी ऐसी कौन सी शॉट था या सीन था जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा? एक इसमें जैसे आपने ट्रेलर में देखा, दिलशेर स्टैमर करता है, स्टटर करता है, एंड तो वो एक पकड़ना, वो एक इट वॉज बिट ऑफ अ चैलेंज. तो आई रिमेंबर मी एंड मोसेस यूज्ड टू विजिट डॉक्टर अजीत एंड पूना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो स्पीच थेरेपिस्ट थे, तो हम पूना जाके उनके साथ उनके सेशंस में बैठते थे, तो हमें रिवर्स करना था. वो सिखाते थे, उनको सुधारते थे जो उनके पेशेंट्स आते थे, एंड मुझे वहाँ जाके उनके सेशंस में बैठ के उनके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके कि वो कब कब स्टटर करते हैं, या उनको अगर जैसे अगर मैं उनके साथ वो सीन्स कुछ शेयर करता था तो उनसे पूछता था कि आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, या जब आपको डर लगता है या जब आप एक्साइटेड हैं. तो उनके साथ काफ़ी सेशंस होते थे, वी हैड इंटेंस रीडिंग सेशंस विद द डॉक्टर, विद डॉक्टर अजीत, कि ताकि देखना कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो इसके अलावा, स्टटरिंग के अलावा एक और चीज़ थी कि मैं पंजाबी हूँ, तो एक वो पंजाबी डायलेक्ट पकड़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. बट ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, दिलशेर की, जो पंजाब से निकल कर दिल्ली आया है कुछ बड़ा बनने, कुछ अपने सपनों को फॉलो करने. तो एक होता है जो अपने गांव से कभी नहीं निकला 25 सालों में, वो अचानक दिल्ली के बड़े शहर में आ जाता है, बड़ी फैमिली के साथ है, बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है. तो एक वो जो डायलेक्ट में एक होता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं पर उसमें पंजाबी एक्सेंट है, पर एक होता है कि आप पंजाबी बोलते हैं पर उसमें कहीं ना कहीं हिंदी आती है. तो एक हल्का सा फर्क है उसमें, यू नो, एक सुर में. तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ने के लिए वी हैड एन अमेजिंग गाय फ्रॉम पंजाब, कुलविंदर, एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट विद, वी एक्चुअली यूज्ड टू सिट ऑन द स्क्रिप्ट एंड एक्चुअली पॉइंट जॉट डाउन पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ कौन से शब्द किस लेवल पे, इतना ही पंजाबी आना चाहिए, इतना ही हिंदी आना चाहिए, ताकि हर एक वाइडर ऑडियंस को समझ में भी आ सके, एंड प्लस एट द सेम टाइम ऑथेंटिसिटी भी उसकी लूज ना हो, यू नो, बिकॉज एट द सेम अगर वो पंजाब से निकल के अचानक से एक ऐसी हिंदी बोलेगा तो यू लूज दैट कैरेक्टर सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फिल्म. सो वो एक मेहनत थी. एंड ऑल्सो ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ सिंगर बट रनिंग अवे फ्रॉम म्यूजिक. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं या सिंगिंग सीखूं या मैं म्यूजिक से बाहर भागूं, यू नो, प्रिपरेशन के टाइम. तो एक वो काफ़ी वो एक सुर समझना ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट बट बीइंग स्केयर्ड ऑफ म्यूजिक वाज अ वेरी फाइन लाइन, तो विच फॉर्चुनेटली मोसेस द डायरेक्टर हैड अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट कि उसे किस सुर पे. एंड वी हैड इंटेंस वर्कशॉप्स विद मुकेश छाबड़ा जी एंड हिज टीम एंड मोसेस एंड एवरीवन एंड सारा, एंड वी यूज टू वर्क ऑन द सीन्स टुगेदर, ब्रेनस्टॉर्म ऑन द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. एंड आई रिमेंबर वर्कशॉप के समय में काफ़ी ख़राब था, मतलब मुझे सुबह वर्कशॉप पर मैं जाता था एंड शाम को मुझे फ़ोन आते थे कि बेटा संभाल तो लेगा ना तू.